हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं कबड्डी के इतिहास के बारे में बता रही हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण टॉपिक इसमें मैं क्लियर करूंगी, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं फिजिकल एजुकेशन के जरूर आएंगे। इस टॉपिक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो दोस्तों, यदि आप अन्य टॉपिक जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, किनेसियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, स्पोर्ट साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान एंड अन्य गेमों के हिस्ट्री एंड मेजरमेंट्स के बारे में एंड ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, पैरालंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन 1896 से अभी तक 2020 टोक्यो ओलंपिक तक क्या रहा, इन सब टॉपिक्स के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट कीजिए। एकदम आपके फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग समस्त वीडियो हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कबड्डी के हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कबड्डी खेल कहाँ से शुरुआत हुई, तो कबड्डी खेल का जन्मदाता भारत है और इसके नियम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्कन जिमखाना द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? दक्कन जिमखाना ने इसको 20वीं शताब्दी में शुरुआत किया था। खेल को और इसके खेल के नियमों को छपवाया किसने? इसके नियम तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्कन जिमखाना ने शुरुआत किया था, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बट इनके खेलों के नियमों को छपवाया 1923 में हिंद विजय जिमखाना बड़ौदा ने। फिर इस नियमों का संशोधन किया 1934 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षक परिषद, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षक परिषद द्वारा। एंड भारत में विभिन्न ये कबड्डी जो है हमारे भारत में विभिन्न जगहों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में हुतुतू बोला जाता है एंड तमिलनाडु और मैसूर में चुड्डू गुड्डू बोला जाता है एंड केरल में वान चकता एंड बंगला में हे डुड्डू। उत्तर भारत में इसे कबड्डी ही बोला जाता है एंड बांग्लादेश में हु डुड्डू एंड श्रीलंका में गुड्डू एंड मालदीव में भावतिक, इंडोनेशिया में चब, नेपाल में डोडो एंड पाकिस्तान में कबड्डी बोला जाता है। पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है? कबड्डी ही बोला जाता है। ये तो थी कबड्डी के विभिन्न नाम। दोस्तों, कबड्डी मुख्य रूप से तीन शैलियां होती हैं। कबड्डी की मुख्य रूप से कितनी शैलियां होती हैं? तीन शैलियां होती हैं। कौन कौन सी? संजीवनी, गामिनी और अमर। अमर जो है कबड्डी की, अमर कबड्डी की संजीवनी शैली जो है वो वर्तमान में प्रचलित है। जैसा कि वर्तमान में कबड्डी की कौन सी शैली खेली जाती है? तो संजीवनी, जो भी खेला जाता है वर्तमान में जिस नियम से, वही नियम संजीवनी का है। जैसे कि प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, 40 मिनट का टाइम होता है, 20-20 मिनट के दो पारी और 5 मिनट के गैप होता है। यदि रूल्स क्या होता है सभी जानते हैं आप सब। यदि विरोधी टीम का खिलाड़ी आउट हुआ तो जो उस जो टीम का खिलाड़ी मरा हुआ है वो पुनः जीवित हो जाता है। यदि सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो विरोधी टीम को 2 अंक मिलते हैं, जिसे लोना कहते हैं। अंत में उसी टीम को विजयी घोषित किया जाता है जिस टीम के अधिक अंक होते हैं। ये आपके संजीवनी हुआ जो वर्तमान में प्रचलित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वर्तमान में कबड्डी की कौन सी शैली प्रचलित है, तो संजीवनी। दूसरा है गामिनी। गामिनी में जो होता है, जिस खिलाड़ी के आउट होने पर पुनः जीवित इसमें नहीं होते हैं, होते थे। जिस टीम के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते थे वह टीम पराजित हो जाती थी, यानी कि इसमें भी 7 खिलाड़ी होते थे बट इसमें खिलाड़ी के आउट होने पर पुनः जीवित नहीं होते थे। और जब तक उसकी टीम, पूरी टीम आउट न हो जाए तब तक वो जीवित नहीं हो सकता था। कोई समय सीमा नहीं होती, यानी गामिनी कोई समय सीमा नहीं होता। खेल तब तक चलता है जब तक कि ऐसे 5 या 7 पॉइंट कोई टीम अर्जित न करे। तो दोस्तों, गामिनी जो है इसमें कोई समय सीमा नहीं होता, तब तक चलता है खेल जब तक ऐसे 5 या 7 पॉइंट कोई टीम अर्जित न कर ले। अमर, तीसरा शैली है अमर। दोस्तों, अमर में बस इतना ही अंतर है कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9-9 होती है दोनों तरफ एंड समय सीमा वही रहता है 20-20 मिनट के दो पारियां,
बीच में यानी कि रेस्ट आपका 5 मिनट का होता है। जिस टीम के अधिक होते थे वह टीम घोषित विजयी घोषित होता था, बस इतना ही अंतर है। एंड एक आपका होता है सर्कल कबड्डी, जिसे पंजाबी कबड्डी भी बोलते हैं। यह वृत्तीय परिसीमा के अंदर खेला जाता है। इस वृत्त का व्यास जो है 72 फीट यानी 22 मीटर होता है। और सर्कल कबड्डी के भी 3 शाखाएं होती हैं, लंबी कबड्डी, सौची कबड्डी, एंगुंगी कबड्डी। जैसा कि कबड्डी वर्ल्ड कप कबड्डी 2020 सर्कल कबड्डी सर्कल स्टाइल में ही हुआ था, जिसमें विजयी आपका पाकिस्तान हुआ था। दोस्तों ये था मुख्य कबड्डी की शैलियाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि कबड्डी का प्रदर्शन मैच, जैसा कि दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि ओलंपिक में कबड्डी कब शामिल हुआ और इसका प्रदर्शन मैच कब खेला गया, तो ओलंपिक में कबड्डी शामिल ही नहीं हुआ है। ये तो आप जान लीजिए, कबड्डी, खो खो एंड ये आपका क्रिकेट, इस कबड्डी ओलंपिक में शामिल नहीं है। क्रिकेट को भी आप जानते हैं कि 1900 के ओलंपिक में शामिल किया गया था, बस वो अंतिम पहली बार शामिल किया गया था, उसके बाद निकाल दिया गया। तो कबड्डी का प्रदर्शन मैच 1936 के बर्लिन ओलंपिक में कराया गया था। यानी आप जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कबड्डी एंड खो खो दोनों का प्रदर्शन मैच 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कराया गया था। और वो भी कौन कराया था, कौन ले गया था, तो आपके HYPM यानी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसका प्रदर्शन मैच कराया गया था, कबड्डी का एंड खो खो का। एंड कबड्डी का प्रदर्शन मैच एशियाई खेलों में कब कराया गया था, 1982 में। खो खो का भी इसमें कराया गया था, ठीक है, 1982 में। एंड आपके कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कबड्डी के क्वेश्चन में, जैसे कि विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कबड्डी की कब शुरू हुई। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी कबड्डी की, 1987 में कलकत्ता में। भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1918 सतारा महाराष्ट्र में, और सतारा महाराष्ट्र में ज्यादा प्रसिद्ध भी है। भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1918 सतारा महाराष्ट्र में शुरुआत किया गया था। एंड प्रथम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब शुरू हुआ, 1980 में। प्रथम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में। तो विश्व कबड्डी की प्रतियोगिताएं शुरू हुई 1987 कलकत्ता में, भारत की प्रथम प्रतियोगिता 1918 सतारा महाराष्ट्र में, एंड प्रथम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हुआ 1980 में। विश्व कबड्डी संघ IKF यानी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व कबड्डी संघ IKF इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 2004 मुंबई में हुआ। मुख्यालय इसका जयपुर राजस्थान भारत में, अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत हैं 2018 से। एंड नेक्स्ट है AKF यानी एशियन कबड्डी फेडरेशन, इसका भी मुख्यालय जयपुर राजस्थान भारत है और अध्यक्ष भी जनार्दन सिंह गहलोत हैं। एंड अब बात करेंगे भारतीय कबड्डी संघ KFI कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुआ। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुआ। जैसा कि दोस्तों एक और फेडरेशन आपका 1950 में हुआ है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना आपका 1950 में हुआ है, और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुआ है। एंड कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय कबड्डी संघ के प्रथम अध्यक्ष HK गोडवाले थे, एंड मुख्यालय कोलकाता है। वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र पहल हैं। एंड इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना AKFI इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में किया गया। इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना AKFI की स्थापना कब किया गया, 1973 में। एंड एशियन इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन AAKF एशियन इमेच्योर कबड्डी फेडरेशन की स्थापना 1978 में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है 1973 में, एशियन एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन 1978 में। एंड महिलाओं की प्रथम एशियन चैंपियनशिप शुरू हुआ 2005 में। ये तो था कुछ संघ के बारे में। एंड अब बात करेंगे
महिलाओं को ओलंपिक में कबड्डी को कब शामिल किया गया? तो अभी तक नहीं शामिल किया गया है, ठीक है, अभी तक ओलंपिक में कबड्डी को शामिल नहीं किया गया है, एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एशियाई खेलों में कबड्डी को 1990 बीजिंग चीन में पुरुषों की कबड्डी को शामिल किया गया था, एंड महिलाओं की कबड्डी को 2010 में ग्वांगझोउ चीन में शामिल किया गया था। एंड कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? तो 1972 में सदानंद सेट्टी को मिला। एंड प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कबड्डी में किसको मिला? तो ईश्वर प्रसाद राव 2002 में मिला। एंड नेक्स्ट है, प्रथम बार स्त्रियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई 1952 में आयोजित की गई स्त्रियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता एच के गोड बोले की अध्यक्षता में। एंड नेक्स्ट है, 1957 में मास्को के विश्व युवक सम्मेलन में कबड्डी का प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट है, 1961 में अंतर विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं में शामिल किया गया। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंतर विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता में कबड्डी को कब शामिल किया गया? तो 1961 में। नेक्स्ट है, 1962 में अखिल भारतीय विद्यालय खेल यानी SGFI प्रतियोगिताओं में बालकों के लिए सम्मिलित किया गया, यानी SGFI अखिल भारतीय विद्यालय खेल यानी कि SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था, आप सभी हिस्ट्री में पढ़े होंगे सारे शिक्षा के इतिहास में। तो SGFI यानी स्पोर्ट्स स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954 में हुआ था। तो कबड्डी को 1962 में अखिल भारतीय विद्यालय खेल यानी SGFI प्रतियोगिता में बालकों के लिए सम्मिलित किया गया 1962 में। नेक्स्ट है, 1974 में भारतीय कबड्डी टीम कहाँ गई थी? बांग्लादेश में गई थी। 75 में बालिकाओं को भी सम्मिलित किया गया कबड्डी में। तो बालिकाओं को कबड्डी में कब सम्मिलित किया गया? 1975 में, इसको विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा। एंड 1972 में कबड्डी फेडरेशन को IOA से मान्यता मिली, यानी IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ से कबड्डी को कब मान्यता मिली? तो 1972 को। नेक्स्ट है आपका विश्व कप कबड्डी यानी कबड्डी विश्व कप मानक शैली में स्टैंडर्ड स्टाइल में खेला गया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत 2004 में हुआ, विश्व कप कबड्डी की शुरुआत कब हुआ? 2004 में विश्व कप कबड्डी का शुरुआत हुआ। मानक शैली वाला ये एक इंडो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कबड्डी की होती है, इसमें पुरुषों एवं महिलाओं की अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ करता है। एंड यह प्रतियोगिता आपके विश्व कप कबड्डी अभी तक में 2004, 2007, 2016 में हुई थी, एंड 2020 में आपको पता है कि हुआ था। तो 2004, 7, 16 में लगातार भारत प्रथम स्थान पर रहा। प्रथम कबड्डी विश्व कप 2004 मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ था प्रथम कबड्डी संघ विश्व कप? 2004 में मुंबई में हुआ था, ठीक है। भारत ईरान को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, भारत ईरान को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। एंड दूसरी बार कबड्डी विश्व कप 2007 में महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। 2007 में महाराष्ट्र के पनवेल में दूसरा कबड्डी विश्व कप हुआ था। दुनिया भर की 16 टीमें ने इसमें भाग लिया था, जिसमें 13 एशिया की टीमें थी। भारत फाइनल में ईरान को 29-19 से हराकर जीता था। एंड तीसरा विश्व कप कबड्डी आपका 2016 अहमदाबाद में हुआ था। देश के शीर्ष कबड्डी खिलाड़ियों में से अनूप कुमार भारतीय कबड्डी टीम को दक्षिण कोरिया के हाथों हार का उनका सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनल में भारत जीता था। एंड तीन बार मैच जीतने के लिए 38-29 से आगे हो गया। फाइनल में भारत का सामना फिर ईरान से हुआ, लगातार ईरान के साथ इसका सामना हुआ। एंड कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 की बात करेंगे, जो सर्कल स्टाइल में हुआ था, पाकिस्तान जीता था। एंड ये कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 कब आयोजित हुआ था? 9 फरवरी से 16 फरवरी 2020 में 9 फरवरी पंजाब स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था, और 9 फरवरी से 16 फरवरी 2020 में यह प्रारंभ हुआ था। इसके विजेता पाकिस्तान है,
यानी कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 का विजेता कौन है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान भारत को 2 अंक से हराकर पहली बार विश्व कप कबड्डी का खिताब जीता। यानी इसमें पाकिस्तान को 10 मिलियन यानी 1 करोड़ रुपए मिले एंड भारत को 7.5 मिलियन, ईरान को 5 मिलियन मिले। तो दोस्तों ये था कबड्डी के हिस्ट्री के बारे में, इससे सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मिल गए होंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों अभी कबड्डी के मेजरमेंट्स के बारे में मैंने नहीं बताया है। हिस्ट्री समाप्त होने के बाद जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उन सबको मैं पूरा करूंगी। अभी जिम्नास्टिक के हिस्ट्री, हैंडबॉल एंड बहुत सारे गेम्स की बची हुई हैं। तो दोस्तों कंटिन्यू चैनल पे बने रहिएगा। आपके अभी तो कोई भी फॉर्म नहीं आ रहा है, LT ग्रेड का भी अक्टूबर तक आ पाएगा एंड 27,000 भर्ती आपका जो TGT PGT का है UP का, वो 2021 का भर्ती होने के बाद ही आएगा। तो लगातार आप बने रहिए चैनल पे और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जब एग्जाम सामने आ जाता है तब तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होता है। आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने से पहले ही आप तैयारी करते रहेंगे तभी सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों बने रहिए चैनल पे एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।